एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड 4 सेमेस्टर के हिंदी सब्जेक्ट में देखिए विराम, उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, दोषों को दूर करने के उपाय और देख लेते हैं इसमें उच्चारण में हलंत का प्रयोग, उसके बाद अनिवार्य संस्कृत में वाचन, वाचन का अर्थ और वाचन के प्रकार, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। और उससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने किस पर डिस्कस किया इसको जान लेते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों ने विसर्ग को जाना और उच्चारण के भेदों को जाना, लय जाना, स्वराघात, स्वराघात किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, गति किस तरह की रखनी चाहिए। जैसे बच्चा पढ़ता है तो ये नहीं कि इतनी तेज़ गति हो जो चीज़ें समझ में भी ना आए, या आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो चीज़ें समझ में ना आए, या इतनी स्लो हो जो सुनने में भी ना अच्छा लगे, तो गति कितनी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज चलते हैं, सबसे पहले हम लोग विराम पर, यानी जो विराम चिन्ह होता है उस पर डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए, विराम, विराम का मतलब क्या होता है? विराम का मतलब होता है ठहरना, रुकना, है ना, कि क्षण भर ठहरे, सांस ली, उसके बाद आगे बढ़े। तो विराम का अभिप्राय है क्षण भर के लिए रुकना, उच्चारण की शुद्धता हेतु विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए रुक रुक कर पढ़ने से लंबे वाक्य भी सरल एवं सुबोध बन जाते हैं। इसलिए उच्चारण की शुद्धता के लिए विराम चिन्हों का सही ज्ञान होना अति आवश्यक है। देखिए, ये भी नहीं है कि हर जगह पे आप विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब एक वाक्य कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप ठहरने के लिए, क्योंकि कितना भी बड़ा वाक्य हो तो आप जब ठहर कर उसको पढ़ेंगे तो आसान भी हो जाएगा और आपको कठिनता का अनुभव नहीं होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और आप थकेंगे भी नहीं। और विराम चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, यानी थोड़ा ज़्यादा रुकना है तो पूर्ण विराम हो जाता है, उससे थोड़ा सा कम रुकना है तो अर्ध विराम हो जाता है, अल्प विराम हो जाता है। जैसे नामों से ही पता चल रहा है कि अल्प विराम, अर्ध विराम, है ना, तो इस तरह से ये आपके हो जाते हैं। उसके बाद इसमें देख लेते हैं उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ, दोषों को दूर करने के उपाय। अब इसमें हो जाता है आपका संस्कृत शिक्षक को छात्रों में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए सर्वप्रथम इसके मार्ग की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात उच्चारण कौशल विकसित करने वाले उपायों का प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत उच्चारण दोषों से संबंधित समस्याओं का समाधान अनुस्वार एवं अनुनासिक, देखिए अनुस्वार और अनुनासिक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुस्वार क्या होता है? जिसमें एक बिंदु होता है, और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, और हलंत यानी कोई भी वर्ड के नीचे अगर आपका, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं हलंत किसको कहते हैं, तो जैसे इस तरह की जो ये लटकन लगी होती है इसको क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। अनुस्वार देखिए इस बिंदु को कहते हैं और अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। तो इनका उचित प्रयोग सिखाकर दूर किया जा सकता है। यानी कि देखिए, जब इन, आपको तो लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप बड़ा लेंथी लिख रहे हैं उसमें इन सब चीज़ों को भूल गए, कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना, कहाँ पे अर्ध विराम लगाना, कहाँ पे अनुनासिक लगाना है, कहाँ पे अनुस्वार लगाना है, तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को समझना रहेगा। और इसीलिए नहीं कहते कि मेरे हिंदी में बहुत कम नंबर आए और मैंने सब लिखा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नंबर कम नहीं आते, जैसा आपने लिखा उस तरह से आपके नंबर आए, क्योंकि आपने अनुस्वार, अनुनासिक, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, हलंत पे तो ध्यान ही नहीं दिया, आप तो बस ऐसे ही लिखते चले गए। मतलब मैं सबके लिए नहीं, मतलब बता रही हूँ कि इस तरह से प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी बड़ा सरल सब्जेक्ट है, एक दिन में पढ़ के मैं दे आऊँगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हिंदी सरल सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए सरल हो जाता है, नहीं पढ़ेंगे तो वो आपके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि संस्कृत और हिंदी में इसमें क्या होता है, इसमें हलंत पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम पे बड़ा ध्यान दिया जाता है, अनुनासिक अनुस्वार पे बड़ा ध्यान दिया जाता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर जब आप ध्यान देते हैं तभी आपकी हिंदी कंप्लीट हो पाती है, ठीक है ना।
चलिए इसके हम उदाहरण कुछ समझ लेते हैं। जैसे उच्चारण में अनुस्वार एवं अनुनासिक का प्रयोग, उच्चारण में हलंत का प्रयोग, उच्चारण में विसर्ग का प्रयोग। देखिए वही चीज़ आ गई। विसर्ग किसे कहते हैं? जैसे ये दो बिंदियां होती है ना, इसको विसर्ग कहते हैं। और हलंत जैसे वर्ड में इस तरह से लगा, ये हलंत हो जाता है। अनुस्वार देखिए ये बिंदी हो जाती है, और अनुनासिक आपका चंद्र बिंदु हो जाता है। ये हम लोग अभी भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हाँ डिस्कस हमने कर लिया, रिपीट कर ली चीजों को। उसके बाद देखिए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं उच्चारण में हलंत का प्रयोग। तो सबसे पहले देखिए, हलंत शब्द का अर्थ बदलने की शक्ति रखता है। हल चिन्ह को लगाकर किसी वर्ण को आधा या स्वर रहित बनाया जा सकता है। यानी जब हलंत लगता है तो क्या होता है, तो जो आपका स्वर होता है वो आधा हो जाता है। जैसे पश्चात, यानी ता में देखिए हलंत लगा तो वो आधा हो गया। यहाँ पर कुछ हलंत शब्द तथा उसके अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे आपका ये शब्द हो जाता है, ये अर्थ हो जाता है। अब ये यहाँ पे जगत है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इस जगत में हलंत लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाता है संसार। और दूसरा देखिए, जगत लिखा हुआ है और इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाता है कुएं का चबूतरा। अब कहीं पे आपको लिखना है कुएं का चबूतरा और आपने इस तरह से जगत लिख दिया, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसका अर्थ तो संसार होता है। और अगर हलंत नहीं लगा है तो इसका अर्थ कुएं का चबूतरा हो जाता है। उसी तरह से देखिए सन, तो सन का मतलब होता है वर्ष। जहाँ पे आपका इस तरह से सन लिखा हो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वर्ष होता है। और जहाँ पर देखिए सा और ना और हलंत ना लगा हो तो वहाँ पे क्या होता है, उसका अर्थ जूट हो जाता है। क्या हो जाता है, तो उसका अर्थ जूट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे बम, तो शिव आराधना का शब्द, इसमें देखिए हलंत लगा हुआ है, बा और माँ और हलन, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जो शिव आराधना का शब्द है वो ये बम है। दूसरा देखिए, जो बम है हो जाता है तो इसमें हलंत नहीं लगा है, तो विस्फोटक गोला हो जाता है। इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आपका कीर्तिमान हो जाता है, कीर्तिमान में हलंत लगा है। पहले जो कीर्तिमान लिखा हुआ है उस पर हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है यशस्वी। और दूसरा कीर्तिमान आपका जो हो जाता है उसका अर्थ क्या हो जाता है, उसका अर्थ हो जाता है रिकॉर्ड। यानी जिसमें हलंत लगा है कीर्तिमान वो यशस्वी उसका अर्थ होता है, और जिसमें हलंत नहीं लगा है उसका अर्थ रिकॉर्ड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अनिवार्य संस्कृत में वाचन। अब वाचन, वाचन का अर्थ समझ लेते हैं, वाचन क्या है। तो अनिवार्य संस्कृत में वाचन के लिए चार कौशल हैं। कौन कौन से हैं, तो पढ़ना, लिखना, बोलना तथा सुनना। सुबोपाली, हम लोग देखिए पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, सुबोपाली, तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसे आप लोग सीरियल वाइज इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। तो सुबोपाली यानी सुनना, सा से सुनना हो जाता है, और बा में ओ की मात्रा मतलब बोलना हो जाता है, और पा से क्या हो जाता है, तो पढ़ना हो जाता है, और ला से मतलब ली से, तो लिखना हो जाता है। तो इस तरह से आपका बन जाता है सुबोपाली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वाचन के जो कौशल हैं वो कितने हैं, वो चार कौशल हैं, और सुनना सुबोपाली से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, इसके साथ ही अनुस्वार, हलंत एवं विसर्ग आदि का ज्ञान भी होना चाहिए। अब ये आपके चार कौशल तो हो जाते हैं, और उसके बाद आप लोगों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो अनुस्वार का, हलंत का, विसर्ग का, इन सब चीज़ों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। जब इन सब का ज्ञान होता है तभी वाचन शुद्ध होता है, क्योंकि देखिए इनके बिना तो शुद्धता नहीं आ सकती ना। जहाँ पे आपको पूर्ण विराम या अर्ध विराम या हलंत या विसर्ग या अनुस्वार या अनुनासिक कुछ भी लगाना है, जब तक आप उनको नहीं लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने आपने आँख लिखना है, यानी आपको आँख लिखना है, ठीक है ना, और आपने क्या किया, अनुनासिक पे ध्यान नहीं दिया है ना, आँख, क्या ऐसे आँख हो जाता है, नहीं हो जाता है। अब आपको अंत लिखना है और अत आपने लिख दिया और इस पर आपने ध्यान नहीं दिया, यानी बिंदु पर ध्यान नहीं दिया,
तो क्या ये आपका अंत हो जाता है? नहीं होता है। आपको तो लगेगा कि मैंने एक छोटी सी बिंदी नहीं रखी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बिंदी का बड़ा ही महत्व है। आपने आपको क्या लिखना है, मान लीजिए आपको चांद लिखना है, तो आपने ऐसे लिखा तो आपका सही है, और आपने मान लीजिए ऐसे लिख दिया और क्या बोले कि हमने तो सिर्फ ये चंद्रबिंदु नहीं लगाया था, आपके लिए तो ये सिर्फ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में शुद्धता कहाँ रही? तो जब शुद्धता को प्राप्त करना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही रहेगा। देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, वाचन शब्द संस्कृत के वाक् धातु से बना है, जिसका अर्थ है शब्द, वाणी अथवा कथन। वाचन को हम दो रूपों यानी संकुचित एवं व्यापक, व्यापक का मतलब क्या होता है, फैला हुआ, है ना, बड़ा, में बता सकते हैं, है ना, संकुचित अर्थ और व्यापक में बता सकते हैं। संकुचित रूप में लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है। वाचन ध्वनियों के प्रतीकों, लिपिबद्ध शब्दों को गति के साथ पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया वाचन या पठन कहलाती है। यह वाचन का विस्तृत अर्थ होता है। यही कि देखिए, विस्तृत अर्थ मतलब व्यापक अर्थ, मतलब बड़ा, मतलब फैला हुआ। अब देख लेते हैं, कैथरीन ओकानर के अनुसार वाचन सीखने की वह जटिल प्रक्रिया है जिससे सुनने के गति वही माध्यमों का मानसिक पक्षों से संबंध होता है। वाचन के प्रकारों को देख लेते हैं, तो मुख्य रूप से वाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से वाचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाचन होते हैं, तो मौन वाचन और सस्वर वाचन। अगर मौन वाचन की बात की जाए तो मौन वाचन का अर्थ होता है जो चीज धीरे से पढ़ी जा रही है, मन में पढ़ी जा रही है, गहन अध्ययन किया जा रहा है, और सस्वर वाचन मतलब बोल कर पढ़ी जा रही है। इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी मौन वाचन क्या हो जाता है, जब चीज़ों को अपने मतलब धीमे से अपने ही मन में पढ़ना होता है, गहन अध्ययन करना होता है, उसको मौन वाचन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो जो आपके पास में बैठे हुए हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते हैं, है ना, और आप पढ़ते चले जाते हैं। आप जितने शब्द जैसे सस्वर वाचन में पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आप मौन वाचन में शब्दों को पढ़ लेंगे, ये हो जाता है। और सस्वर वाचन का मतलब ये होता है तेज तेज से पढ़ना। इसमें ये खूबी होती है कि जब आप तेज तेज से चीज़ों को पढ़ेंगे और आपके पास में कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या होता है, अगर आप में कोई गलती भी होती है तो वो टोक देगा, वो आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे गलत पढ़ा, आपकी गलती पकड़ ली जाएगी, फिर आप उसको सही कर देंगे। जैसे मान लीजिए कक्षा में बच्चे हैं, वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ा, आप मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, और बच्चों ने कोई चीज़ गलत बोली तो आपने वहीं पर पकड़ ली चीज़ों को और उनको उसको सही किया, है ना, तो ये आपका हो जाता है सस्वर वाचन। यानी कि दोनों के फायदे होते हैं, लेकिन कहते नहीं, किसी चीज़ में फ़ायदे भी होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, हम उन सब चीज़ों को डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मौन वाचन को समझ लेते हैं, यानी मौन वाचन यानी मन में पढ़ना और गहन अध्ययन करना, ठीक है ना। तो लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक, देखिए वही चीज़ कि बिना शोर शराबा किए, बिना आवाज़ निकाले, बिना अपने आसपास के जो लोग बैठे उनको बिना डिस्टर्ब किए चीज़ों को पढ़ना, और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। अर्थबोध और भावानुभूति मौन वाचन के आवश्यक तत्व हैं। यह बात दूसरी है कि पाठक को यह अर्थबोध एवं भावानुभूति किस सीमा तक होते हैं। मौन वाचन में पढ़ने वालों के होंठ तक नहीं हिलते, और मौन वाचन करते समय पाठ्यांश में वर्णित भावों और विचारों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार मौन वाचन अध्ययन की एक विधि है। क्या कह रहे हैं कि जब मौन वाचन किया जाता है तो इसमें होंठ तक नहीं हिलती है, ठीक है ना, अपने मन ही मन में पढ़ रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये देखिए छोटे बच्चों के लिए नहीं, जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड में सबसे पहले आपकी टीचिंग कहाँ पे लगी, प्राइमरी में लगी, और प्राइमरी में अगर हम मौन वाचन पढ़ाएंगे या बच्चे मौन वाचन करेंगे तो उनको पहले पढ़ना तो आप सिखाएं, तब तो मौन वाचन वो करेंगे ना। मौन वाचन तो तभी किया जा सकता है जब चीज़ों का अच्छा सा ज्ञान होता है, फिर उसके बाद किया जाता है। तो बच्चों को पहले मौन वाचन नहीं कराना है, पहले उनको सस्वर वाचन कराना है, मतलब तेज तेज से पढ़ाना है, उनको समझाना है, उनमें जो गलतियां हैं उसको देखना है, उन गलतियों को सुधारना है। तो ये प्राइमरी के बच्चों के लिए नहीं होता, ये बड़े बच्चों के लिए होता है, जो बड़े लेवल पर होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादा पढ़ना होता है, तो वो मौन वाचन से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब
क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, तो वो मौन वाचन से अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं मौन वाचन के उद्देश्य क्या होते हैं। तो मौन वाचन के उद्देश्यों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है। कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो चार भागों में विभक्त किया गया है। देख लेते हैं, सबसे पहले ज्ञान हो जाता है, तो विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना और उनके शब्द सूक्ति भंडार में वृद्धि करना। सेकंड नंबर पर हो जाता है विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेखन शैलियों से परिचित कराना। अब उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर आपका हो जाता है विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना। अब सेकंड नंबर पर आपका कौशल हो जाता है, तो कौशल में आपका जो फर्स्ट नंबर पर हो जाता है विद्यार्थियों को उचित आसन में बैठकर पूर्ण मनोयोग से पठन में प्रशिक्षित करना। सेकंड नंबर पर हो जाता है विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास कराना। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पर रुचि हो जाता है, इसमें आपका हो जाता है विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। और सेकंड नंबर पर हो जाता है विद्यार्थियों में समीक्षा करने की रुचि उत्पन्न करना। अब आपका अभिवृत्ति हो जाता है, तो अभिवृत्ति में विद्यार्थियों में भाषा सीखने एवं विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने की प्रवृत्ति का विकास करना। सेकंड नंबर पर हो जाता है विद्यार्थियों में भाषा साहित्य देश जाति और धर्म के प्रति आदर के स्थायी भाव का निर्माण करना, ये आपका हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं मौन वाचन के प्रकार। मौन वाचन के प्रकार कितने होते हैं? तो मौन वाचन का उद्देश्य एवं गति के आधार पर दो भेद किए जा सकते हैं। कितने भेद किए जा सकते हैं? तो दो भेद किए जा सकते हैं। कौन कौन से? तो गहन और गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो गहन यानी गंभीर वाचन, तो सामान्यतः गूढ़ भाव एवं विचारों को उच्च स्तरीय भाषा एवं शैली में अभिव्यक्त किया जाता है। किसी पाठ्य सामग्री को मौन रूप में पूर्ण मनोयोग से बड़े धैर्य के साथ उसके प्रत्येक अंश का अर्थ एवं भाव समझने का प्रयास करते हुए पढ़ने की क्रिया को गहन वाचन कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब गहन वाचन किया जाता है तो बहुत ही मतलब होंठ तक नहीं हिलती हैं और बहुत ही ध्यान के साथ चीज़ों को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब इसमें द्रुत वाचन हो जाता है, तो सामान्यतः सामान्य वस्तुओं क्रियाओं और घटनाओं का वर्णन सामान्य भाषा शैली में किया जाता है। जीवनियों और कहानियां भी प्रायः सामान्य भाषा में ही की जाती है। ऐसी लिखित सामग्री को पढ़कर समझने में पाठक को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वह उसे तीव्र गति से पढ़कर उसका अर्थ एवं भाव समझ सकता है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं मौन वाचन से लाभ, इनको समझ लेते हैं मौन वाचन के क्या क्या लाभ होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं, तो हम लोग लाभों को समझ लेते हैं। तो इसमें हो जाता है मौन वाचन में समय की भी बचत होती है। श्रीमती ग्रेरिस ने एक परीक्षण में यह पता चला है कि कक्षा 6 के बालक 1 मिनट में सस्वर वाचन में 170 शब्द बोलते हैं और मौन वाचन में इतने ही समय में 210 शब्द बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वो जोर जोर से पढ़ रहे हैं तो 170 शब्द पढ़ते हैं, लेकिन जब मौन वाचन में पढ़ते हैं तो कितने पढ़ते हैं? तो 210 शब्द पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पर देख लेते हैं मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वाचन में बाधा नहीं उपस्थित करता है। सामूहिक वाचन के लिए मौन वाचन सर्वोत्तम है। यानी कि समूह में बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, अगर जोर जोर से पढ़ेंगे तो एक दूसरे को लोग डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5 बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जब सारे लोग जोर जोर से पढ़ने लगेंगे क्या होगा, सब लोग डिस्टर्ब होंगे एक दूसरे से। लेकिन जब मौन वाचन किया जाता है तो कोई किसी से डिस्टर्ब नहीं होता है और अच्छे से गहन अध्ययन कर लिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं मौन वाचन के समय छात्र चिंतन भी करता चलता है, उसका ध्यान केंद्रित रहता है। यानी जब मौन वाचन किया जाता है तो क्या होता है, जब ध्यान केंद्रित करके पढ़ा जाता है तभी तो मौन वाचन से आप पढ़ पाएंगे ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, ध्यान को एकाग्रचित रखना होता है, बिल्कुल उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसी पे ध्यान दिया जाता है, ये नहीं है कि हम पढ़ ये रहे सोच कहीं और रहे, ऐसा नहीं है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसी पे ध्यान दिया जाता है, तभी मौन वाचन सक्सेस हो पाता है ना। उसके बाद मौन वाचन द्वारा स्वाध्याय की आदत पड़ती है। स्वाध्याय मतलब अपने आप से पढ़ने की, क्योंकि जब हम अपने मन में पढ़ेंगे, धीरे धीरे से पढ़ेंगे,
तो क्या होगा, हम अपने आप से पढ़ने की हमारे में आदत पड़ जाएगी। तो ये मौन वाचन के फायदे होते हैं। और इसमें एक चीज़ और हो जाती है, मौन वाचन में मितव्यता होने के कारण दैनिक जीवन में व्यक्ति इसी का अधिकाधिक प्रयोग करता है। क्योंकि देखिए, जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है तो क्या होता है, भाई बुक ले ली, अपने मन ही मन में पढ़ रहे हैं, ध्यान केंद्रित करके पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना। लेकिन ये छोटे बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, बड़े स्टूडेंट होते हैं, लोग पढ़ते हैं और जैसे क्लास भी कंप्लीट कर लेते हैं, कॉलेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद भी जब तैयारी की जाती तब भी मौन वाचन का ही प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात कर लें इसकी हानि की, तो इसकी हानि की ये बात हो जाती है कि जैसे कोई चीज़ पढ़ी जा रही है, अगर इसमें कोई चीज़ गलती मतलब कुछ गलत हो जाता है या कोई चीज़ गलत पढ़ ली जाती है, तो अब दूसरे को ये चीज़ नहीं पता होती कि ये क्या पढ़ रहे हैं। भाई हमारे सामने कोई पढ़ रहा है और मौन वाचन कर रहा है, तो हमें क्या पता वो क्या चीज़ पढ़ रहा है। भाई ज़ोर से पढ़े तो हम भी सुने, तो हम भी जाने कि इन्होंने क्या चीज़ सही पढ़ी और क्या चीज़ गलत पढ़ी। अगर कोई चीज़ गलत कोई पढ़ रहा है तो उसको सही कर दिया जाएगा, लेकिन मौन वाचन में ऐसी सुविधा नहीं होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ ये चीज़ इसके लिए यहाँ पे इसका कहते नहीं कि मैरिट डिमेरिट्स, तो इसकी है डिमेरिट्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक हम लोगों ने देखिए क्या क्या चीज़ें आज कंप्लीट की हैं, आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने विराम के बारे में जाना, उसके बाद उच्चारण में हलंत का प्रयोग जाना, शब्द और अर्थ यानी जहाँ पे हलंत लगते हैं तो जिसमें हलंत लगता है देखिए उसका अर्थ बदल जाता है, उनको हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसके बाद वाचन का अर्थ जाना और वाचन के प्रकारों को जाना, मौन वाचन को डिटेल में जाना और मौन वाचन के उद्देश्यों को भी डिटेल में जाना। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।